एग्जाम के निर्देश पाना चाहते हैं कुछ? हर बार फायदा होता है कि नहीं एग्जाम से पहले, क्योंकि आज अंतिम क्लास है, एग्जाम होने जा रहा है आपका, एमपीपीएससी देने जा रहे हो आप। इसका नाम एमपीपीएससी है, पूरे देश में पीसीएस बोला जाता है जनरली, पीसीएस। और हम लोग जो बोलते हैं मध्य प्रदेश में, एमपीपीएससी बोलते हैं, तो अच्छी बात है। तो आज आज की ये जो आधे घंटे की क्लास है, ये एमपीपीएससी वालों को समर्पित। एमपीपीएससी वालों को क्या ख्याल रखना है, क्या सावधानियां रखनी है, तो ये प्री का एग्जाम है आपका, प्रारंभिक का। तो पहले, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, एक तो मौसम का ख्याल रखना है, भीगना नहीं है आपको। अगर आप भीग गए तो आधा काम खराब हो गया आपका, तो छाता रखें और सावधानी रखें। मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दें, अभी थोड़ा सा महामारी का समय है और इम्यूनिटी का इशू होता है, तो मास्क लगा के रखें, मल्टीविटामिन जरूर खाएं, आज से ही खाना शुरू कर दें। वैसे तो पहले से खाना शुरू करना था, मैंने पहले भी बोला था आपको मल्टीविटामिन के बारे में, जिन लोगों ने ध्यान नहीं रखा वो मल्टीविटामिन जरूर लें। मल्टीविटामिन अगर आप सेफ वाला ले लेंगे, जो काफ़ी सेफ होता है, जिसमें ज़्यादा जिंक नहीं है, ज़्यादा आयरन नहीं है, है ना, ज़्यादा मात्रा जिसमें नहीं है, वो मल्टीविटामिन लें। तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती, अंडर वेट हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है, और ओवरवेट वाले ज़्यादा ना खाएं, लेकिन ध्यान रखें। तो खाने पीने का भी ध्यान रखें, बुखार उखार ना आए इसका ध्यान रखें, और सैनिटाइज़र भी साथ ले जाना है, आपको पता है उसमें निर्देश पढ़ लीजिएगा एक बार। मास्क ज़रूर ले जाना, डबल मास्किंग करें, है ना, कोशिश करें कि डबल मास्क हो, जी घबराने लग जाए, सांस लेने में दिक्कत आए, ऐसा कोई काम ना करें, लेकिन कोशिश करें कि डबल मास्किंग हो। और छाता ले जाएं अपना, और सेंटर एक बार जरूर देखाएं। डिस्ट्रिक्ट लेवल वालों की बात नहीं कर रहे, भोपाल सेंटर वालों की बात कर रहे, भोपाल जिनका सेंटर है, या इंदौर जैसा शहर है, ग्वालियर है, बड़ा बड़ा जो शहर है, तो बड़े शहर वाले अपना सेंटर को जरूर एक बार विजिट करके आएँ, क्योंकि क्या होता है, सेंटर के आसपास ही आप घूम रहे होंगे और एग्ज़ाम का टाइम निकल जाएगा। समय से आधा घंटा पहले पहुँचें, क्योंकि 9:30 बजे एंट्री है, तो 9:15 तक सेंटर पहुँचने की कोशिश करें। कई बार आप सेंटर के आसपास होते हो, गूगल की सहायता न लें, ध्यान रखें, गूगल मैप की सहायता मत लीजिए, नहीं तो वो क्या करता है, वो घुमाता रहता है, गूगल मैप आपको सही डायरेक्शन नहीं दे पाता है ना। तो जानकार समझदार आदमी देख करके पूछिए, अनपढ़ आदमी से मत पूछिए कॉलेज और स्कूल के बारे में। कई बार कॉलेज लिखा रहता है, स्कूल रहता है, और एक ही बिल्डिंग के अंदर भी स्कूल और कॉलेज होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें भी भ्रम हो जाता है। आप कॉलेज में घुस जाते हो, उसमें से निकलते हो, फिर स्कूल जाने की कोशिश करते हो, तो आधा किलोमीटर का राउंड हो जाता है कई बार, तो वो फालतू का समय निकल जाता है, और आपको लगता है आप सेंटर पर पहुँच गए, उसके बाद पता चलता है ये सेंटर नहीं है। ऐसी गलतियाँ ना करें, ये बड़ी सिली मिस्टेक है। ऐसी गलतियों की वजह से दिमाग भी खराब होता है, और अपने अंदर से आत्मविश्वास भी चला जाता है, हमको लगता है हम सेंटर भी नहीं ढूंढ पा रहे। कमाल है, मतलब हम क्या परीक्षा देंगे, और क्या आईएएस बनेंगे, क्या पीसीएस करेंगे, क्या डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, मतलब हमारा सेंटर भी हमको समझ में नहीं आ रहा अभी। दूसरा, सेंटर पर किसी से बहस ना करें, बहस करने से बचें। पहले हम आपको कई बार बता देते थे कि सबको सबक सिखाएं, बताएं, डांटें, नहीं ये उससे हमारा ही दिमाग खराब होता है, तनाव आता है, तो तनाव से बचें, ठीक है। तनाव नहीं लेना है आपको, क्योंकि अभी परीक्षा जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, और ऐसे में यदि आप तनाव लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तनाव नहीं लेना है। तनाव किसी भी कारण से नहीं लेना है आपको, ठीक है। और क्या करना है,
अब कुछ सावधानियां रखनी हैं MPPSC के हिसाब से, वो मैं आपको बता देता हूं। जो आप देखिए, मैं अधिकांश बच्चों से बात करता हूं तो जो अंतर होता है वो 2 से 6 नंबर का ज़्यादा होता है, 2 से 6 क्वेश्चंस का अंतर होता है, कई बार तो 1 क्वेश्चन का अंतर होता है। यानी 74 यदि कट ऑफ गया तो उस बच्चे के 73 थे, 72 थे, 71, 70, 69, ऐसे बच्चे बड़ी मात्रा में होते हैं। 5-6 नंबर का डिफरेंस वाले बच्चे बड़ी मात्रा में होते हैं, ज़्यादा मात्रा इन्हीं बच्चों की होती है। तो क्या कारण है कि बच्चे इतने मामूली अंतर से पिछड़ जाते हैं, और इस अंतर को कैसे पाटे? अगर आप इस रेंज में हैं तो सबसे पहले उनके लिए बता, क्योंकि अभी उनके लिए ही बताया जा सकता है, अभी सब बच्चों के लिए नहीं बताया जा सकता, ठीक है? तो अभी मात्र हम उन्हीं लोगों के लिए बात करेंगे जो मामूली अंतर से, क्योंकि बाकी लोगों को तो 1 साल की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मान लिया जाए 75 कट ऑफ है और आप अभी 65 पे हैं, तो आपको 75 पहुंचने के लिए लगभग 1 साल लगेगा, 1 साल की तैयारी करनी पड़ेगी। आज कुछ नहीं हो सकता, आज हम बात कर रहे हैं 69 वालों के लिए, 68 वालों के लिए। जो 68 69 पे हैं वो 75 पे पहुंच सकते हैं। अब तो एक ही दिन का समय है, कल का समय है, परसों तो एग्ज़ाम है, तो इन लोगों के लिए कुछ सावधानियां हैं जो यहां तक पहुंच सकते हैं। इनके लिए अभी कोई सावधानी नहीं है, 64 वालों के लिए, 61 से लेकर के 65 वाले 1 साल की तैयारी करेंगे। और जो 50 के आसपास हैं, अभी टेस्ट में अगर 50 ही लाते हैं, UPSC वाले टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, MPPSC के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आप MPPSC वाले टेस्ट में 50 लाते हैं तो आपको 2 साल लगेंगे, 1.5 से 2 साल लगेगा, 1.5 से 2 साल की तैयारी लगेगी आपको, तब जा कर के आप यहाँ पहुँचेंगे। ये बिल्कुल क्लियर बात, ठीक है? उसमें नाराज़ होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके हितैषी हैं, आपको जॉब में देखना चाहते हैं, तो इसी वजह से आपको ये बात समझा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इसको, इसलिए बोल रहे हैं आपको कि आप ये सावधानी रखिए, हो जाएगा, बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? तो आज हम थोड़ी सी सावधानी रखने वाली बातें इन लोगों के लिए बताएंगे जो अभी 68, 69 पे पहुंचते हैं, या किसी किसी टेस्ट में 66 भी हो जाता है, 67 भी हो जाता है, चलेगा, लेकिन यहीं घूमते रहते हैं, 65 से 75 के बीच घूमते हैं। जो लोग 80 क्रॉस कर जाते हैं टेस्ट में, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिंदास रहे, उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत ज़रूरी है, सावधानी बहुत रखना पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए ये है कि 1 से लेकर के 100 तक जो प्रश्न हैं उनको ध्यान से पढ़ें। सबसे पहली बात है इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, पहली बात ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ने मात्र से आप 2 क्वेश्चन का फायदा हो सकता है आपको, केवल ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ना मतलब पूरा अटेंशन रखना पढ़ते समय, ठीक है? उसको मजाक नहीं समझना। दूसरी सावधानी है सारे ऑप्शंस पढ़ना है। कई बार हम पहला या दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं और हमको लगता है कि उत्तर आ गया, ए और बी पढ़ा और हमको लगा कि बी वाला आंसर है, हमने टिक किया, सी और डी पढ़ा नहीं। घर जाकर के जब सी और डी पढ़ते हैं तो समझ में आता है। देखो, पहला वाला ध्यान से पढ़ना बोला है आपको, तो उसका क्या मतलब, ये 1 से 100 प्रश्नों की बात कर रहे हैं, सभी प्रश्नों की बात कर रहे हैं। पहला वाला ध्यान से पढ़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ये देखिए कि उसमें कहीं नॉट तो नहीं लिखा है,
कई बार नॉट लिखा रहता है, मतलब नहीं, ये नहीं है, निम्न में से नहीं है ये लिखा रहता है, और हम सोचते हैं कि वो यस प्रेजेंट की बात कर रहा है कि इसमें से है। तो है और नहीं वाले में बहुत ज्यादा, अगर कहीं पर, इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। किसको ध्यान से पढ़ना है? प्रश्न को, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्या फायदा होगा इससे? इससे कम से कम दो प्रश्न आप ठीक कर पाओगे यदि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है, ये तो एग्जाम जो बार बार देते हैं और सफल होते हैं ना, वही लोग जान सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। बाकी लोगों को तो मजाक ही लगेगा कि क्या है, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने से, और प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के साथ साथ दोनों मीडियम में पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ध्यान रखिए। कई बार हिंदी में पढ़ने से उत्तर समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ना है, दोनों मीडियम। तो जनरली इसीलिए हम आपको बाइलिंगुअल टाइप से पढ़ाते रहते हैं चीज़ों को, हम पढ़ाते हैं तो दोनों मीडियम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि परीक्षा में आपको इससे फ़ायदा होगा। सारे ऑप्शन यदि आप पढ़ लेंगे तो फिर दो प्रश्नों का फायदा हो जाएगा आपको, सारे ऑप्शन पढ़ने से। सारे ऑप्शन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, देखिए उसमें कहीं नॉट तो नहीं है, स्पष्ट निर्देश देखिए उस प्रश्न के बारे में। अगर ये है तो उत्तर आपको नॉट वाला निकाल, दोनों मीडियम में पढ़ना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ना है, ठीक है। देखिए पानी अपना साथ ले जाइए, थोड़ी बीच बीच में कुछ दूसरे इंस्ट्रक्शन भी मैं देता जाऊंगा। पानी अपना साथ ले जाइए, ज़्यादा पानी पी के मत बैठ जाइए, नहीं तो फिर आपको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, यूरिनल ढूंढते रहेंगे। तो ज़्यादा पानी पी के भी नहीं बैठना है, और बिल्कुल गला सूख रहा हो ऐसी स्थिति में भी नहीं, थोड़ा पानी पीजिए और सावधानी रखिए, और साथ में अपना पानी रखिए। अपना पानी न ले जाने दें तो उसको दूर रख दीजिए, ताकि उठ के आपको पानी, वहाँ का सेंटर का पानी कभी मत पीजिए, ध्यान रखिए। कई बार सेंटर वाले जो होते हैं ना, प्राइवेट सेंटर वाले, प्राइवेट स्कूल कॉलेज वाले, वो बॉटल्स को फ्रीज में रख देते हैं, वो बहुत ठंडा ठंडा पानी पेश करते हैं, तो वो अभी खतरनाक हो सकता है। पानी पीने से बचें, सेंटर का पानी पीने से बचें, नॉर्मल वाटर बॉटल ले जाइए, बिस्लेरी वगैरह का, और उसको ले जा करके रख दीजिए। अपने पास ले जाने दें अगर सेंटर में, तो बहस मत कीजिए, बाकी आपका बैग जहाँ रखा होगा और जहाँ आप रखेंगे वहाँ आप अपना बॉटल रख दीजिए, ठीक है, है ना। आइडेंटिफाई कर सकें बॉटल को, इसलिए उस पर निशान भी लगा सकते हैं मार्कर से, तो मार्कर से निशान लगा लें, अपना नाम लिख दें चाहे, तो ऐसा कुछ करिए। तो पानी पीने से बचिए। मैं बीच बीच में, मुझे कुछ चीज़ें याद आएंगी तो मैं आपको बताऊँगा। बाहर का तला गला खाना खाने से भी बचिए, घर का सादा रोटी पराठा जो भी आप खाना चाहते हैं वो घर का खाइए, जो रोज़ आप खाते हैं, ठीक है। दही खाने से बचें सुबह सुबह एकदम, ठीक है ना, ठंडा ठंडा फ्रीज वाला दही तो खा के मत जाइएगा। देखिए सर दर्द होगा, बुखार आएगा, नाक जाम हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी, तो भी 4-5 प्रश्न गलत हो जाएंगे, है ना। तो स्वस्थ रहने से भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है।
तो खाने पीने की सावधानी ज़्यादा रखनी है। दूसरा, रिक्वेस्ट फुली बोल दीजिए, अगर बेंच खराब है, अगर बैठने की जगह खराब है, टेबल खराब है, रिक्वेस्ट फुली बोल दीजिए। बारिश का समय है, खिड़की के पास वाली सीट है तो थोड़ा हो सकता है कि आपकी कॉपी गीली हो सकती है, तेज़ बारिश हो रही हो, तो रिक्वेस्ट कर दीजिए। बिजली की समस्या हो सकती है, एकदम अफरा तफरी न मचाएं, बिजली बंद हो सकती है तो रिक्वेस्ट करें कि रोशनी कम है। ठीक है, चलिए। और समय का ध्यान रखिए, मुझे नहीं लगता समय का इशू है, एमपीपीएससी में समय का इशू नहीं होता, 1 घंटे पहले पेपर हो जाता है, 1 घंटा बैठा रहता है आदमी। लेकिन आपको 1 घंटे बैठे नहीं रहना है, आपको सावधानी रखना है, धीरे धीरे पेपर करना है। एमपीपीएससी में थोड़ा ध्यान रखिए, एकदम से पेपर करके बैठ जाते हैं, बाद में पता चलता है अगर धीरे कर रहे होते तो 4-5 प्रश्न और ठीक हो जाते। तो धीरे धीरे पेपर करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने से भी गलत हो जाता है, ध्यान रखिए। फर्स्ट थॉट को मायने मायने देना है आपको, ठीक है? तो बहुत छोटी छोटी सावधानियां रखेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिला पाऊंगा। आखिरी दिन है, बहुत ज़्यादा अभी तैयारी नहीं करा सकते, अभी कुछ सावधानियों से ही प्रश्न जुटाना पड़ेंगे। और ये एक एक दो दो प्रश्नों की लड़ाई है, इसमें आप बाहर भी हो जाते हैं और अंदर भी जा सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, सारे ऑप्शंस पढ़ें, ठीक है? ये हर साल बताता हूँ मैं सावधानी। पुराना आप हमारा लेक्चर देखें, उस समय बोर्ड पे नहीं लिखा था, ऐसे ही हवा में बता रखा है आपको। गायत्री शक्तिपीठ के काफ़ी लेक्चर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अगला आ जाइए, और क्या बताना चाह रहे हैं हम, आइए। तीसरी बात जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ध्यान रखनी है, वो लगभग जो सर्कल बनाने होते हैं उनका भी ध्यान रखिए, गोले भरने का भी ध्यान रखिए, सर्कल का भी ध्यान रखिए। गोले भरते जाइए या फिर एक साथ भर लीजिए, ठीक है? उसमें गलती ना रखें, नहीं तो उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। कई कई बार बच्चे बताते हैं, सर किया तो हमने ये था लेकिन गोला गलत भर दिया, तो उसमें ब्लेड से या इरेजर से साफ करने की सुविधा नहीं होती, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गोले भरते समय में ध्यान रखना पड़ेगा। 2-4 प्रश्न आप यहाँ खो देते हैं, कई बार गोले भरते समय में खो देते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। सर्कल भरते समय में पेन कौन से कलर का यूज करना है आपको बताओ जरा, निर्देश में क्या है, कौन से कलर का पेन यूज करते हैं आप लोग? शायद यूपीएससी एमपीपीएससी में अलग अलग है कि एक ही है? ब्लैक कलर का यूज करते हैं। तो बॉल पॉइंट पेन है या डॉट पेन, क्या कौन सा पेन होता है? हाँ, तो पेन का ध्यान रखें, पेन और कलर का ध्यान रखें, कौन सा कलर यूज करना है, पेन कौन सा यूज करना है। तो पेन ऐसा लें आसानी से आप गोले भर सकें, ऐसा पेन यूज़ करें, ठीक है? बॉल पेन यूज़ करना है, ब्लैक। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी बातें बतानी पड़ती हैं, अपने लोग ही बताते हैं। और गोला पूरा भरना है, नए बच्चे जो पहली बार दे रहे हैं, मैं आपको गोला बना के बता देता हूँ, ब्लैक तो इसमें दिखेगा नहीं। ऐसा गोला है, तो जैसे ये अंदर से ब्लैक है, तो पूरा पूरा भरना, पूरा भर दीजिए इसको, सावधानी रखिए, ठीक है? समय रहता है तो उसका फायदा उठाइए, ठीक? एक गोले भरने की सावधानी रखिए, कई बार हम इसी से गच्चा खा जाएंगे। नेक्स्ट जो आपको सावधानी रखना है, दोनों मीडियम का आपको बता दिया हमने। अब ये है कि अब जहाँ डायलेमा वाले क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में ध्यान रखिए, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जिन लोगों को यूपीएससी की आदत होती है वो कई बार निर्देशों को पढ़ते नहीं है,
तो वो बोलते हैं हमने 60 अटेम्प्ट किए, 70 अटेम्प्ट किए, 80 अटेम्प्ट किए, ऐसा नहीं है, नहीं बोलना है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप पूरे अटेम्प्ट करके आएंगे 100 अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो सभी प्रश्न अटेम्प्ट करें, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। कभी भी डबल गोला नहीं भरना है, डबल सर्कल नहीं भरना है, सर्कल को खाली नहीं छोड़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो मैं, आप में से कुछ लोग समझदार हो सकते हैं और उनको ये सब चीज़ें पता है, लेकिन मैं आप सबको, चूँकि अब आप जा रहे हैं युद्ध के मैदान में, तो मैं आपको सारी सावधानियाँ बताना चाहता हूँ, कोई गलती ना करें, ताकि ठीक है, किसी भी प्रकार की गलती आपको पीड़ा पहुंचा सकती है। एक और गलती करते हैं बच्चे, अधिकांशतः मुझे आके बताते हैं कि वो जो गोला लगाना, देखो होता कुछ नहीं है, कई बार उसमें पास हो जाते हैं, लेकिन आप में से कई बच्चों ने बताया हुआ है कि एक वन सेवा परीक्षा भी है और एक सिविल सेवा परीक्षा भी है, यहाँ पे भी दोनों गोले भरने होते हैं। अच्छा, आप है ना जो इन्विजिलेटर है उसके राज्य सिविल सेवा, उसके भरोसे ना रहे, इन्विजिलेटर कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो कई बार आपसे कम योग्यता वाला है, और अधिकांशतः आपसे कम योग्यता वाला ही इन्विजिलेटर होता है, आपसे ज्यादा योग्यता वाला इन्विजिलेटर नहीं है वहां पर। तो यहां पर दोनों में गोला भरना रहता है या ऐसा कुछ होता है टिक लगाने वाला कुछ, वो थोड़ा ध्यान रखना। वन सेवा परीक्षा में यदि आप प्री दे रहे हैं, उसका प्री भी दे रहे हैं, तो फिर आप इसको भी गोला करें, उसको भी करें, अदरवाइज किसी एक को करें। आप केवल राज्य सेवा सिविल सेवा परीक्षा में हैं, तो फिर आप केवल राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए गोला करें, ठीक है। सेट अगर बना हुआ है तो सेट का ध्यान रखें, ये सब चीजें तो आपको भरने वाली सावधानियां हैं जो आपको भरनी चाहिए। रोल नंबर के बारे में जैसे निर्देश दिए जाएं वैसे भरें, कई बार वो निर्देश गलत दे देते हैं, सभी का खराब हो जाता है, लेकिन उससे कोई कॉपी खराब नहीं होती आपकी, ठीक है, वो बनी रहती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उससे आपके 4 या 5 प्रश्न ठीक हो सकते हैं। तो कैसे ठीक हो सकते हैं 4 से 5 प्रश्न आप यहां कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए, बल्कि 6 भी ठीक कर सकते हैं। 4 से 6 प्रश्न ठीक करने का तरीका बता रहा हूं, अब उसको ध्यान से सुनिए। जब उत्तर में असमंजस है आपके सामने, कोई असमंजस है, उत्तर के मामले में, आंसर के मामले में, ऑप्शन के मामले में, तो उत्तर देते समय में कुछ चीजें ध्यान रखिए। आपका जो उत्तर होगा, तुक्का लगाते समय भी ध्यान लगाइए, गैस लगाते समय भी ध्यान लगाइए, किस चीज का, एक आपका आंसर जो होगा वो रैशनल होना चाहिए, रैशनल होगा, बुद्धिसम्मत होगा, पर्यावरण हितेशी बात जहां की गई है, इको फ्रेंडली बात जहां की गई है, वो आपका उत्तर होगा। आपका उत्तर हमेशा संविधान सम्मत होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिएंटेड होगा, संविधान सम्मत उत्तर होगा, संविधान सम्मत यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिएंटेड। आपका उत्तर हमेशा रेशनल होगा, पर्यावरण हितैषी होगा, संविधान सम्मत होगा। आपका उत्तर कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित होगा, यानी उस आपके आंसर में, ये यूपीएससी पे भी लागू है भाई, जो यूपीएससी के एग्जाम देंगे उनके लिए भी है, जो आप लोग टेस्ट देते हैं टेस्ट में भी नंबर बढ़ा सकते हैं, आप अगर चाहें तो अपने टेस्ट के मार्क्स भी बढ़ा सकते हैं,
जिन लोगों को टेस्ट में कम नंबर आते हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें। आपका उत्तर रेशनल है, आपका उत्तर पर्यावरण हितैषी है, आपका उत्तर हमेशा संविधान सम्मत है और आपका उत्तर कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित है। आपका उत्तर मानवाधिकारों पर आधारित होगा। मानवाधिकार लिए हुए होगा और आपका उत्तर नैतिकता उन्मुख भी होगा, एथिकल ओरिएंटेड, एथिक्स ओरिएंटेड होगा। नैतिकता की भी समावेश उसमें होना चाहिए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके स्वभाव में आप लोग डाल लीजिए। आप चार से छह प्रश्नों को ठीक कर सकते हैं, जो ठीक नहीं हो रहे हैं वो भी ठीक होने लग जाएंगे अगर आप इसको आदत बना लेंगे। ठीक है, देखिए 100 प्रश्न बनाना बहुत मुश्किल काम है, वैसे तो बहुत आसान काम है। जैसे कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, तो देवास में, बहुत सिंपल प्रश्न है। लेकिन ऐसे प्रश्न जो हैं सिली क्वेश्चंस टाइप होते हैं और गाइड वगैरह में मिल जाते हैं, तो पेपर डिजाइन करने वाला क्या करता है कि अधिकांश समय वो कुछ स्पेशल प्रश्न बनाना चाहता है, विशेष प्रकार के प्रश्न बनाना चाहता है और वहां वो गच्चा खा जाता है, वहां वो कमियां छोड़ देता है। क्या कमियां छोड़ देता है? प्रश्न बनाते समय में, जैसे कि मैंने आपको एक बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया था, आइए, जैसे वो प्रश्न बनाना चाहता है और उसको ज्यादा कुछ ट्रांसलेशन के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं दोनों मीडियम में पढ़ने की बोल रहा था, तो वो मैं पहले एग्जांपल दे दूं आपको। क्रोमोसोम इंग्लिश में क्रोमोसोम लिखते हैं। अब प्रश्न में लिखा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को स्थानांतरित करते हैं, ए क्रोमोसोम, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम और डी पेरोक्सिसोम। तो डेफिनेटली क्रोमोसोम जो है वो आंसर है। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन हिंदी में जाके पढ़ेंगे तो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, यहाँ पर हिंदी में सीधा लिखा रहता है गुणसूत्र, तो प्रश्न को पढ़ते ही आंसर निकल आता है कि गुणों को धारण करने वाला। तो दरअसल कई बार जो है उसको पता नहीं होता कि वो बहुत सरल बना दे रहा है प्रश्न को। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप एक तो दोनों मीडियम में पढ़ो, कई बार आपको यहाँ पर उत्तर चमक जाएगा चारों में से, कई बार यहाँ उत्तर चमक जाएगा, देखते ही लगेगा कि ये आंसर है, ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा उसमें। तो दोनों मीडियम में पढ़िए। दूसरी चीज़ मैं बता रहा था कि चूंकि परीक्षक की मजबूरी, कॉपी, ये जो पेपर बनाने वाला पेपर डिज़ाइनर है, प्रश्न पत्र निर्माता की मजबूरी है कि उसको कोई न कोई प्रश्न को विशेष बनाना है, तो विशेष बनाते समय भी वो कुछ और ज़्यादा स्पेशल कर जाता है। पहले मैं वो बता देता हूँ, जैसे अगर वो किसी प्रश्न के उत्तर में, जैसे मैं आपको, एक मिनट, जैसे मैं आपको बताता रहता हूं बायो मैग्निफिकेशन के बारे में ठीक है, ये है बायो मैग्निफिकेशन, मान लीजिए ये ए आंसर है,
तो कई बार वो आंसर को ही ऐसे लिख देते हैं, जैव आवर्धन, सॉरी जैव आवर्धन और बायो मैग्निफिकेशन हिंदी में लिखते समय में ऐसा लिख देते हैं, बायो मैग्निफिकेशन इंग्लिश में ऐसा लिखा रहेगा और हिंदी में ऐसा लिखा रहेगा, और उसको ब्रैकेट में, और अब आप देखेंगे कि उसने केवल ए बी सी और डी में से केवल ए वाले को इतना क्लियर किया, हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है, और ये इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में केवल इतना लिखा रहता है, हिंदी में दो जगह लिखा रहता है। इसका मतलब है कि वो चाहता है कि एक तो इस उत्तर को जो है विद्यार्थी कहीं गलत ना कर दे, तो इसलिए वो उसको और ज्यादा स्पष्ट करता है। तो ज्यादा स्पष्टीकरण दे रखा होता है उसके उत्तर होने की संभावना 99% होती है, 1% संभावना इसमें भी हो सकती है कि वो कहीं गलत हो अगर उसने कुछ कॉपी किया है तो। मान लीजिए पिछली बार इस प्रश्न को निगेटिव तरीके से पूछा था, एल्गल ब्लूम के हिसाब से पूछा था या और कुछ पूछा था, और उसका उत्तर ये नहीं था और वहाँ वो दिया था, अगर उसने कॉपी पेस्ट किया है तो हो सकता है कि वो गलत हो, अदरवाइज 99% टाइम जो अलग से ब्रैकेट में आपको ऑप्शन समझाया हुआ है, चार ऑप्शन है और केवल एक ऑप्शन को ब्रैकेट में समझा रखा है तो वही उत्तर है, ध्यान रखिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ए बी सी डी में से कुछ प्रश्नों के उत्तर मात्र इतने से हैं और किसी किसी प्रश्न का उत्तर बहुत लंबा है, तो ध्यान रखिए कोई भी लंबे ट्रांसलेशन से बचता है, पेपर डिजाइन करने वाला लंबे ट्रांसलेशन से बचता है, तो लंबा ट्रांसलेशन कभी भी कोई भी नहीं करना चाहेगा, तीन लाइन में आंसर कभी कोई भी नहीं देना चाहेगा बशर्ते कि वो आंसर हो। तो अगर ये आंसर है तभी इसको यहां इंक्लूड किया गया है, अनावश्यक इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो 99% तो नहीं कहूंगा लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी ये है, ये संभाव्यता सामने आती कि यही आंसर है। तो मैं आपको ये ट्रिक नहीं कह सकते, इसको कॉमन सेंस कहेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड भी है, एप्टीट्यूड परीक्षा के लिए नहीं होता कि एग्जाम देने के लिए, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का वैसे भी होना चाहिए। तो 90% समय में आपका जो सबसे लंबा वाला जो आंसर है वो सही होगा, क्योंकि कोई भी अनावश्यक ट्रांसलेशन नहीं करना चाहेगा, पहले से ट्रांसलेशन कहीं किया हुआ है और अगर उसने कॉपी पेस्ट मारा है तब हो सकता है 10% समय में ये गलत निकल जाए, लेकिन ये सब आप तब करें जब आपको असली उत्तर बिल्कुल नहीं पता है। अगर आपको पहले से ही कोई उत्तर बी वाला बिल्कुल कन्फर्म है तो बी लगाएं, लेकिन कन्फर्म आप नहीं हैं तब आप ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। मेरा आशय समझ गए आप लोग, थोड़ा हाँ भर दीजिए जरा अगर समझ गए तो। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नए बच्चे हैं तो उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ, बाकी को तो मैं बता चुका हूँ। चलिए अच्छी बात है, मुझे लगता है आपको अभी जो आप लोग ठीक है, जो लोग यहाँ समझ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को टेस्ट भी देना है ना तो टेस्ट में भी इनको इस्तेमाल कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ ठीक है, टेस्ट में भी इस्तेमाल कीजिए, टेस्ट में भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स किसी भी तरह से बढ़े बढ़ना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन होने के बाद भोंदू आदमी भी पहुंच जाता है ना तो उसको कोई कुछ नहीं पूछता, वो साहब ही होता है, बहुत सारे साहब भोंदू हैं, एक नंबर के भोंदू आदमी हैं, किसी काम के नहीं है, विश्वास ही नहीं होता वो एग्ज़ाम पास करके आए, बहुत बुरी स्थिति है सिस्टम में। तो एक बार सिस्टम में पहुंच जाइए, आपकी तनख्वाह शुरू हो जाएगी, बाकी सब देखा जाएगा फिर बाद में, ठीक है। बाकी तो बहुत बुरी हालत है, ठीक है ना। तो ये कुछ सूत्र हैं जो एक्स्ट्रा समझाया हुआ मैंने बताया, लंबा आंसर है ये, फिर आपको वो जो रैशनलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और वो सब चीज़ें हैं वो भी दे आपने देखी है ना, सेकंड पेपर में तो वो मायने रखता है, सेकंड पेपर बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, पर वो उधर ठीक हो जाएगा। फिर और क्या कर सकते हैं, और क्या सावधानी रखनी है, आइए
और सावधानी ये रखनी है कि ऑल ऑफ द अबव जब होता है तो ये भी परीक्षक की कई बार मजबूरी होती है। 75% टाइम ये सही आंसर होता है, सामान्यतः डी नंबर पे होता है। ए बी सी डी में से डी में से इसको रखा जाता है और इसकी संभावना भी 75% होती है। 75% ये इसलिए होता है क्योंकि तीन ऑप्शन वो दे रहा है और तीनों सही है, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो फिर वो ऑल ऑफ द अबव बता देगा। कुछ बोल रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही शायद मुझे। कुछ प्रश्न पूछा है क्या भाई? बीच में बोलो मत। तो ऑल ऑफ द अबव होने की संभावना 75%, चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये तीनों सही होते हैं तो, दो भी सही होते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा ना, क्योंकि दो भी सही हैं तो, और ये तीसरा आपको नहीं भी पता है तो एलिमिनेशन करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आइए इसी में मैं और अगला समझाने की कोशिश करता हूँ। डी वाला यदि नन ऑफ द अबव है यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसके सही होने की संभावना केवल 10% रहेगी और इसके गलत होने की संभावना 90% रहेगी। 90% ये गई गलत होगा और 10% सही होगा। तो इसका मतलब डी वाला आंसर मजबूरी में दिया गया है, मजबूरी में दिया गया। तीन ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, तीन ऑप्शन है, चौथा चूंकि उसको ऑप्शन नहीं मिल रहा इसलिए उसने इसको डाल दिया है, मजबूरी में डाल दिया है। तो ये कुछ परीक्षा पेपर सेटर्स जो होते हैं उनकी कुछ मजबूरियां पेपर बनाते समय, ठीक है, इस वजह से होता है। एमपीपीएससी में एक और आंसर पैटर्न आता है, वो सामान्यतः सी पे आता है, कई बार डी पे आता है, कि सी पे आता है कि ए और बी दोनों सही है। इसकी संभावना लगभग 60% है, 60% बड़ी, चूंकि 50% से ज्यादा है तो इसलिए यदि आप तुक्का लगाने जा रहे हैं, गेस करने जा रहे हैं तो आप इसको करें, ये बिल्कुल सही होगा। 60% सही वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा, बल्कि 70% मान सकते हैं इसको, 60-70% मान सकते हैं। डी, ए व बी दोनों नहीं, तो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर एक भी यदि आपको समझ में आ रहा है ए में से या बी में से तो फिर इसका ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी संभावना 30% रहती है, तो ये 70 रहेगी और इसकी 30 रहेगी। तो जब आपको तुक्का लगाना हो तो इसको प्रिफर करें, सी को, इसको ना करें, ठीक है। तुक्का लगा रहे हो तो, अगर कंफर्म हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंफर्म अगर आप इसके ऊपर हैं डी के ऊपर तो फिर क्या दिक्कत है। इन दोनों में से कोई एक भी समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये सावधानियाँ यदि आप रखेंगे तो मुझे लगता है कि 5-7 प्रश्नों को तो आप वैसे ही इन सावधानियों से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर सबसे लंबा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया वो वाला काफ़ी हद तक ठीक होता है, हर साल ही ठीक होता है, अलग से समझा रखा है, ब्रैकेट में समझा रखा है, दोनों मीडियम में पढ़ के देखें आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। कई बार उत्तर चमक रहा होता है तो उसको ध्यान रखें। आजकल एमपीपीएससी में एक और ट्रेंड आया है कि वो मध्य प्रदेश के बाहर के एग्जाम्पल को सही बताते हैं,
कई बार हमको पहले ऐसा लगता था कि पहले जो पेपर आते थे एमपीपीएससी में वो इस प्रकार के होते थे, जैसे मान लिया जाए भोपाल, नागपुर, हैदराबाद और मेरठ, ये चार ऑप्शन है, तो उसमें भोपाल वाला ऑप्शन सही है। तो सन 2010 से पहले जो मध्य प्रदेश पीएससी होती थी उनमें हमेशा ये ट्रेंड होता था कि ये चार ऑप्शन होते थे तो हमेशा मध्य प्रदेश का जो शहर होता था या मध्य प्रदेश का जो कोई स्थान दिया हुआ है वही आंसर होता था। तो वो तो तुक्का लगाना बहुत आसान हो जाता था, किसी को नहीं भी पता है तो वो मध्य प्रदेश का लगा देता था ऑब्वियसली, क्योंकि एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में बाहर का उत्तर थोड़ी होगा। लेकिन 2010 के बाद में मध्य प्रदेश की परीक्षा ने ये ट्रेंड चेंज कर दिया है। अब 60-70% टाइम ऐसा होता है कि बाहर वाला उत्तर होता है, ध्यान रखिए। अभी भी है ट्रेंड मध्य प्रदेश, लेकिन वो क्या होता है बहुत आसान हो जाता है एमपीपीएससी वालों के लिए, बाहर वालों के लिए भी गेस करना, यूपी में भी कोई है, झारखंड का भी कोई है और एमपीपीएससी दे रहा है तो उसको उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि भाई ऑब्वियसली जो एग्ज़ाम है वो एमपीपीएससी का है तो एमपी का ही कोई शहर होगा, एमपी का ही कोई स्थान होगा जो आंसर है, हम नागपुर, हैदराबाद, मेरठ क्यों लगाने लगे। तो आप हमको नहीं भी पता है तो भोपाल मार दो। तो ये वाली गलती जो है 2010 के बाद जो बच्चे कर रहे हैं वो बहुत गच्चा खा रहे हैं। क्यों भाई, आप लोगों में से जो एक्सपर्ट हैं वो बताओ जरा, हमारे से सहमत हो कि नहीं, कितने लोग सहमत हैं हम जो बता रहे हैं। 2010 के बाद ये परिवर्तन आया तो आप लोग बाद के जो पेपर निकाले हैं आप लोगों ने भी मेंस दिया ना, बहुत सारे लोग हैं आप में से, तो जरा मेंस देने वाले बताओ हमारी इस बात से कितने लोग सहमत हैं, कितना ध्यान रखना है आपको, कितनी सावधानियां रखनी है। यस, यूपीएससी के साथ भी है, गुड। यूपीपीएससी के साथ भी, हाँ यूपीपीएससी से ही लिया होगा ये ट्रेंड। अब ऐसा नहीं रहा, अब वो जानबूझ करके उसको घुमाते फिराते हैं तो बाहर का प्रश्न भी रहता है और एमपी का ऑप्शन इसलिए डाल देते हैं कि बच्चे सामान्य समझ वाले बच्चे गलती करें, ठीक है। अधिकांशतः अब ये ठीक नहीं होता, पहले 90% प्रोबेबिलिटी होती थी, अब उसकी प्रोबेबिलिटी 60-70% रह गई है, ठीक है। एक्सपीरियंस वाले और बताओ भैया, जो ज़्यादा टेस्ट में नंबर लाते हैं वो बताओ ताकि इनको लगे बच्चों को, नहीं तो फिर लगे कि हम ही थोप रहे हैं भाई अपनी बातें। आप लोग भी सहमत हो के नहीं, हाँ आप लोग निकालते हो ना एग्ज़ाम, हम तो आपको पढ़ाते भर हैं, वाकई में एग्ज़ाम में तो आप ही बैठते हो, आप ही निकालते हो, ठीक है। तो ये ऐसे जो है आप थोड़ी सी सावधानी रख सकते हो, तो एकदम से ये ऐसी गलतियां नहीं करना है। अब आइए कुछ और स्पेशल सावधानी जो है वो आपको बता दी जाए जो रखना है आपको। आइए विशेष सावधानी जो और आपको रखना है वो ये रखना है कि अभी खास करके इन दो दिनों में, आज और कल में आप क्या रिवीजन करें तो वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, जिनको बहुत पसंद करते हैं एग्जामिनर, ये मैं आपको 20 चीज़ें बताऊंगा ऐसी जो बहुत पसंदीदा है एग्जामिनर की, बहुत पसंदीदा चीज़ें। देखिए एग्ज़ाम में पेपर सेट करने का मौका मिलना बहुत बड़ी बात है और प्रत्येक व्यक्ति के पूर्वाग्रह होते हैं, उसकी इच्छाएं होती है, इंटेलेक्चुअल
पर्सन जो होता है उसकी अपनी एक अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं। इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी होता है उसकी अपनी अलग तरह की इच्छाएं होती हैं। वो माइलस्टोन को देखता है, वो देखता है कि भारत के निर्माण में, आधुनिक विज्ञान में, पर्यावरण में कुछ माइलस्टोन है जिन्होंने दुनिया को बदला है, जहां से दुनिया बदली है, परिवर्तन आया है। उन परिवर्तन के क्षणों को, उन माइलस्टोन को वो प्रश्नों के रूप में पिरोना चाहता है। ये उसका पूर्वाग्रह भी है और ये उसकी इच्छा भी है। और उसको चूंकि अपॉर्चुनिटी मिली है उसको प्रश्नों में बदलने की, तो उस अपॉर्चुनिटी को वो खोना नहीं चाहता। ध्यान रखिए, हालांकि ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि वो व्यक्ति किस बैकग्राउंड का है, उसके परिवार में कौन कौन व्यक्ति किस किस प्रोफेशन में है। मान लीजिए पेपर बनाने वाले के पिता किसान हैं, तो किसान परिवार से आने वाला व्यक्ति यदि पेपर बनाने का मौका मिलेगा तो वो हरित क्रांति पर प्रश्न जरूर पूछेगा अपनी ज़िंदगी में। जब भी उसको पेपर बनाने का मौका मिलेगा हरित क्रांति का प्रश्न होगा ही होगा। डॉक्टर स्वामीनाथन का हो, नॉर्मन बोरलॉग का हो, जरूर होगा, अगर वो किसानों की पृष्ठभूमि से आया है, कृषि की पृष्ठभूमि से आया है। कृषि कानून का प्रश्न हो सकता है, तो मैं किसान की पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति ने यदि पेपर बनाया, थोड़ा मैं जगह बचा करके लिखूं ताकि यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। मैं 20 फील्ड दे रहा हूँ आपको, जिनको आप 2 दिन में रिवाइज कर लीजिए, शायद संडे की परीक्षा में आपको कुछ न कुछ मदद मिलेगी। हरित क्रांति, अभी इस साल के कृषि कानून, हरित क्रांति को रिवाइज कर जाइए, कृषि कानूनों को रिवाइज कर जाइए। हरित क्रांति और कृषि कानून, ठीक है। पर्यावरण से जुड़ा हुआ होगा तो मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजों में आएगा। तो बहुत सोच समझ के बता रहा हूं मैं आपको, और किन्हीं कारणों से बता रहा हूं ताकि आप अभी मैं इधर कुछ लिखूंगा तो एकदम साफ हो जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा इधर भी लिखूंगा, इधर भी लिखता जाऊं। इधर मैं एमपी के हिसाब से लिख रहा हूं, तो मध्य प्रदेश में जनजाति, आज रिवाइज कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में जनजाति, ट्राइब्स, मध्य प्रदेश में जनजाति, ये एक विषय आप जरूर तैयार करिए। एमपी के होने के नाते भी मध्य प्रदेश में जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 1800, ये पांचों चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इधर, ये मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश में जनजाति, मध्य प्रदेश में 1857 का संग्राम, तो जिसको एमपी का पूछने का, अपने प्रदेश की मिट्टी से प्यार है, वो मध्य प्रदेश का 1857 का संग्राम भी पूछेगा। 1857 का संग्राम, इसको कर जाइए। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कृषि,
और मध्य प्रदेश के वन और मध्य प्रदेश की नदियां, बस मेरी तरफ से ये इम्पोर्टेंट है। तो आप रिवाइज करना चाहते हैं और मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट लेना चाहते हैं, तो ट्राइब्स 1857 का रिवोल्ट मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट और मध्य प्रदेश की नदियां, ये पांच चीज़ें करके जाइए। मेरी तरफ से आपको ये होमवर्क है। ये हो गया मध्य प्रदेश के स्तर की बात, ठीक है। उधर मैं लिखवा रहा हूँ अभी आपको, यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न ले जाइए आप। भारत के संदर्भ में पुरस्कार, भारत सरकार के पुरस्कार, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, एक प्रश्न आपको यहां मिलेगा। ज्ञानपीठ हो, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो, और मध्य प्रदेश के भी पुरस्कार भी देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में भी पुरस्कार देख लीजिए एक बार, रिवाइज करके चले जाइए। पुरस्कार प्राइज, चाहे भारत रत्न हो, चाहे पद्म विभूषण हो, ठीक है। तो भारत के पुरस्कार आप तैयार करके जाइए। एक प्रश्न पक्का आपको यहाँ से, एक या दो प्रश्न, बल्कि तीन प्रश्न मिल सकते हैं, यहाँ मिल जाएंगे। ये अखिल भारतीय स्तर की चीजें करिए, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर की ये चीजें करिए, फिर आइए। पुरस्कार बड़ा व्यापक नाम हो जाता है, लेकिन ये आप करें। फिर लिखिए भारत के पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मैं पांच चीजें दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, इतना ही आप रिवाइज कर सकते हैं। आज जो मैं 20 चीजें दे रहा हूं, इससे ज्यादा आप रिवाइज कर भी नहीं पाएंगे। बाकी तो आप अपनी पढ़ाई आप कर ही रहे हैं, फिर भी मेरी तरफ से भारत के पीएसयू ले जाइए। महानवरत्न, नवरत्न कंपनियां, मिनी रत्न जो भी हैं उनको पढ़िए। तीसरा, मुझे लगता है रिजर्व बैंक आरबीआई पे एक आध सवाल आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। मेरी तरफ से आप आरबीआई का एक होमवर्क करिए और बैंकिंग रिफॉर्म्स, आरबीआई एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स, एनपीए वगैरह। यहां एक उत्तर और लिख लीजिए, यहां एक क्षेत्र और लिख लीजिए, मानसून। मानसून को लेकर के एक सवाल हो सकता है। तो मेरी तरफ से कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे, हो सकता है 20 प्रश्न हो सकता है 50 हो, कुछ कह नहीं सकते। कई बार अंत में हम जो कुछ ऐसे होमवर्क देते हैं, उससे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ, हर बार देता हूँ, इस बार भी दे रहा हूँ। तो तीन चीज़ें हो गई, रिजर्व बैंक और बैंकिंग रिफॉर्म, ये एक ही हो गया, ठीक है, ये एक ही हो गया। भारत में महिला सीईओ जितनी भी हैं, महिलाएं जहाँ जहाँ आगे हैं, महिला सीईओ या महिला विशेष स्थान पर हैं, स्पेशल अचीवमेंट है महिलाओं का,
जहाँ कहीं, उसका प्रश्न देखिए, वो आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है। तीसरा हो गया अंतिम क्षेत्र। देखिए इंडिया के हिसाब से, मेरी तरफ से देखिए, बाकी तो आप लोग सब जानते हैं, मेरी तरफ से आप होमवर्क ले रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको मैं विशेष क्षेत्र देना चाहूँगा, इधर पांचवें नंबर पे, स्पोर्ट्स के इवेंट्स बहुत कम हुए हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स भी देना चाहूँगा, स्पोर्ट इवेंट्स खेल के बहुत कम हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ रिकॉर्ड और उनको आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैं पांचवा क्षेत्र देना चाहूँगा, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, खास करके टाइगर। टाइगर को लेके एक या दो सवाल जरूर होते हैं, टाइगर एंडेंजर्ड स्पीशीज, नेशनल पार्क। अब मैं अगला क्षेत्र लेने जा रहा हूँ, वो है साइंस एंड टेक, SNT से लेने जा रहा हूँ। एक सवाल वैक्सीन को लेके जरूर होगा, तो वैक्सीन पे पढ़ जाइए, वैक्सीन के टाइप्स, वैक्सीन कैसे बनाते हैं, वैक्सीन को लेकर के एक सवाल मुझे लगता है जरूर आएगा, आना चाहिए। समझदार अगर पेपर बनाने वाला होगा तो वो लेके आएगा, और समझदार होते भी हैं, ऐसा नहीं है, लोग होते भी हैं समझदार। तो वैक्सीन को लेकर के जरूर करिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर हो, विंड एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी पे जरूर एक सवाल आ सकता है। सोलर में हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं, इंडिया लेवल पे भी हो रहा है, स्टेट लेवल पे भी काफ़ी कुछ हो रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के भी एक सवाल हो सकता है। वैक्सीन को लेकर के पक्का है, रिन्यूएबल एनर्जी से भी मुझे लगता है सवाल आ सकता है। एक सवाल इंडस्ट्री 4.0 से हो सकता है, एक नहीं बल्कि दो। इंडस्ट्री 4.0 में बताया था आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्रिप्टो करेंसी यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और 3D प्रिंटिंग, ये सब बताए थे ना। तो इंडस्ट्री 4.0 से एक क्वेश्चन हो सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी, वैक्सीन, इंडस्ट्री 4.0। एक सवाल आप नैनो से ले लीजिए, नैनो टेक्नोलॉजीज। तो नैनो टेक्नोलॉजी अच्छे से करके जाइए। और लास्ट वाला मैं दे देता हूँ आपको, डिफेंस, DRDO, और भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी एक सवाल। तो अंत में मेरे बेस्ट विशेष के साथ, मेरी शुभकामनाओं के साथ, आपके लिए ये होमवर्क है, मध्य प्रदेश PSC प्रीलिम्स 2020 के अभ्यर्थियों के लिए। आप सब इन पे थोड़ा सा मनन करें, चिंतन करें, पढ़ें, क्योंकि लास्ट में थोड़ी सी समझ में नहीं आता क्या करें, क्या क्या पढ़ लें, क्या क्या कर लें, एकदम समझ में नहीं आता। उन लोगों के लिए, जिन लोगों को समझ में आ रहा है।